हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉरएवर। आज हम देखेंगे कि मलाई कुल्फी कैसे बनाई जाती है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप भी घर बैठे बैठे बाहर जैसी कुल्फी बना पाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नए नए फूड रेसिपीज वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए देखते हैं मलाई कुल्फी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क, 1 कप शुगर, 100 ग्राम मावा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर। सबसे पहले एक पैन में हम 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लेंगे। अब हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाएंगे, जिसके लिए हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबलस्पून मिल्क को मिक्स कर लेंगे। अब हम मिल्क को कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे ताकि मिल्क पैन को चिपके नहीं, और इसे तब तक उबालेंगे जब तक मिल्क की क्वांटिटी आधी ना हो जाए। अब इसमें 100 ग्राम मावा ऐड करेंगे और इसे मिल्क के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे। और जो कॉर्नफ्लावर की स्लरी हमने बनाई थी वो भी ऐड कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर की स्लरी की वजह से मिल्क गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए 15-20 मिनट बाद हमारे दूध की क्वांटिटी आधी हो चुकी है। ये देखिए दूध की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून कार्डमम पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुल्फी के लिए दूध बन चुका है, इसे हम रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देंगे और फिर इसे कुल्फी मोल्ड में डाल देंगे। अगर आपके पास कुल्फी मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में इसे स्टोर कर सकते हैं। कुल्फी को मिनिमम 9 से 10 घंटे फ्रीजर में रहने दें। ये लीजिए हमारी मलाई कुल्फी रेडी है। आप चाहो तो इसे केसर के साथ भी गार्निश कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।